समाज सेवी संस्था के सहयोग से ग्यासपुरा के सरकारी स्कूल के जरूरतमंद विद्यार्थियों को सर्दियों की यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई गई। वहीं बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में खेलों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसे देखते हुए नेशनल अवार्डी सौदागर सिंह सराबा टीम द्वारा स्कूलों के बच्चों को खेलों का सामान मुहैया करवाया गया। स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा एनजीओ के इस प्रयास की सराहना भी की गई। सो हमारी संस्था का नाम है लेडीज सर्कल इंडिया। हम अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए स्कूल उनके लिए हेल्प करते हैं, और आज जो बच्चों को यूनिफॉर्म जो खरीद नहीं सकते, अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, उनके लिए हम जो उनकी ज़रूरत होती है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। और इस साल लेडीज सर्कल इंडिया का 50वां साल है, तो उसके इसमें हम काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स डेस्टिट्यूट वुमेन स्कूल के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। जिन बच्चों को सरकार नहीं मदद दे पाती उनके लिए हम आके खड़े हुए हैं। इस स्कूल को हमने अडॉप्ट करा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि पहले इस स्कूल में जिस जिस चीज़ की कमी पेशी है वो पूरी करें। जब यहाँ पूरी हो जाती है तो फिर हम अगला स्कूल अडॉप्ट करते हैं, वहाँ पे क्लासें बनवाएंगे, वहाँ के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म्स जो जो चीज़ की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम सरकार के साथ मदद करते हैं। ये बच्चों की गिनती बेतहाशा है जी। असी अपने वालों जिन्हें एनजीओ साढ़े नाल संपर्क विच हन उन्होंने बेनती करते रहने कि साढ़े स्कूल में जिन्ना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि सरकारी ग्रांटा जिन्नियाँ सरकार अलाट करती है वो इन्ने संभव नहीं है भी सारे बच्चों एजुकेशन दे, क्योंकि साढ़े को टीचर की घाट आ, उन्होंने भी असं अरेज कर दिया कि एनजीओ थोड़े बहुत टीचर पैसे दे दें। तो होर जड़े आ सहूलत सरकार हूँ काफ़ी सहूलत सरकार वालों आ रही ने, बच्चों को खाना मिल रहा, यूनिफॉर्म मिल रही है, और बाकी जो एनजीओ सन जानते हैं वो भी पूरा योगदान देने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, सरकारी मिडल स्कूल ग्यासपुरा जी है, तो मैं इंचार्ज मनिंदर सिंह बोल रहा जी। तो लेडीज सर्कल इंडिया वालों साडे स्कूल नूं प्रोवाइड कीते गए 100 यूनिफॉर्म्स, तो काफ़ी असी महसूस करते हैं कि काफ़ी बच्चों का बहुत ही यह वेलफेयर है, तो बच्चों के मतलब इट्स अ वेरी बिग स्टेप इन सोशल वेलफेयर ऑन देयर पार्ट।